आजकल मैं जहाँ भी देखती हूँ, मुझे लगता है कि हर इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप, जब अपनी अपनी बात आती है तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस होता जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, और बहुत ज़्यादा उससे भी अच्छी बात है कि हम मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। दुनिया में हर जगह काम हो रहा है, स्पेशली इन कोविड टाइम्स हर जगह जो सबसे ज़्यादा फोकस है लोगों का वो मेंटल हेल्थ के ऊपर है। लेकिन जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगती है वो लगती है हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में। मुझे लगता है कि हम लोग उतनी ज़्यादा इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे जितनी कि हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए। सोशल एंग्जाइटी एक तरह की डिसऑर्डर है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और स्पेशली हमारे बच्चों में, क्योंकि कोविड की वजह से हमारे बच्चों ने जो इतना टाइम घर पे गुजार के पढ़ाई की है ऑनलाइन, और अपनी छोटी सी स्क्रीन के थ्रू वो कनेक्टिविटी अपने फेलो जो उनके क्लासमेट्स हैं उनके साथ भी, अपने टीचर्स के साथ भी, उनकी कनेक्टिविटी सिर्फ एक स्क्रीन के थ्रू हुई है, जिसकी वजह से उनका इंटरेक्शन का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है। आप ख़ुद गौर करिए कि अगर आप अपने बच्चों के साथ किसी को साथ बिठाएं तो वो कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे, बहुत कम होता है कि वो कॉन्वर्सेशन कर सकें। मोस्टली ये होगा कि या तो वो अनकम्फर्टेबल होंगे या वो उठ के चले जाएंगे। ऐसा क्यों है कभी आपने ये सोचा? क्योंकि सोचने की बात है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि आपको ये चीज़ देखनी है कि आपके बच्चे में क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको तंग कर रही है, जो उसको रोक रही है उसकी ग्रोथ से। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो रोक रही है उसकी ग्रोथ से वो है उसकी सोशल एंग्जाइटी। उसको सब कुछ मालूम होते हुए, उसकी नॉलेज भी, उसको उसमें उसमें इतनी नॉलेज होते हुए भी वो बातों के जवाब नहीं दे पाता। वो रुकता है, वो 10 दफ़ा सोचता है, चुप रहता है, खामोश रहता है, अनकम्फर्टेबल रहता है। उसका रीज़न ये है कि उसको ये हर वक्त ये लगता है। सोशल एंग्जाइटी क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, सोशल एंग्जाइटी एक तरह के फियर है जिसमें बच्चे को ये होता है कि उसको जज किया जा रहा है, जिसमें उसको ये होता है कि अगर वो कुछ बोलेगा तो उसका मजाक उड़ेगा, एम्बैरस होगा वो, तो उसको सब कुछ मालूम होते हुए भी वो नहीं बोल पाता। इसी तरीके से बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं, एंग्जाइटीज़ हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो बात कर रही हूँ, आप प्लीज़ अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों पर गौर कीजिए, गौर करिए कि वो किन किन चीज़ों से उनको प्रॉब्लम हो रही है। और इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस पर, इसके रूट कॉज पर भी बात करेंगे और इसके सोल्यूशन पर भी बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड और कनेक्ट विद अस अगेन। आई एम सदा ताहिर फ्रॉम एक्सट्रेस।